ये जो कांग्रेस की मानसिकता है वो दर्शाता है। इस तरह के बयान इनके एमएलए दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे। इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके एमएलए कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गई। और देखिए बीजेपी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इतना बड़ा पद दिया, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री, यहां भी महिला वित्त मंत्री बनाया है, तो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा कदम है। उससे इनको आपत्ति, इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है, और ये बहुत गलत बयान है, महिला विरोधी बयान है। और जो साधुओं की इन्होंने इस तरह से बात की है ये भी बहुत गलत बात है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इनके सारे जो इनका जो ये गठबंधन है वो पूरा का पूरा सनातन विरोधी गठबंधन है। पहले भी इन्होंने सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे इनके लीडर्स ने, और आज भी उसी दिशा में चल रहे हैं। और जनता ने देख लिया है कि किस तरह की मानसिकता रखती है ये पार्टी, और बहुत ही गलत बात।